நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஆம்ஸ்டாங் டிவி. पूछते हैं तो लाते हैं, वो डरे हुए आका की बारगाह में आता है तो आका पूछते हैं, ऐ सवाल करने वाले, कयामत के ताल्लुक से, कयामत के ताल्लुक से तूने क्या तैयारियां करके रखा है, तूने क्या तैयारियां करके रखा है? तो वो सहाबी कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक काम है जो जिस पर मुझे आदर जो है फकर है, तो पूछा गया वो कौन सा काम है, तो वो सहाबी कहते हैं, मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, मैं अल्लाह उसके मोहब्बत रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहना चाहिए था, भाई मोहब्बत तो करते हो, अमल भी करो, बल्कि जो है बोलना चाहिए था, लेकिन बेशक अमल करना जरूरी है। अमल जो है ये अगर जो है दूसरी आंख है इस्लाम का, जैसे एक आंख ईमान, एक आंख जो है अमल है, वो बात का मैं इंकार नहीं करता, लेकिन जो है ये मोहब्बत क्या रंग ला सकती है, ये बताना मकसद है, ये बताना मकसद है। तो आका फरमाते हैं, ऐ सहाबी, ऐ सवाल करने वाले, तूने जो सवाल किया उसके जवाब पर तूने जो कहा कि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, तेरा अंजाम मैं बताता हूं कि जो तुझसे जो जिससे तू मोहब्बत करता है, कल कयामत में उसके साथ तेरा हशर होगा। और इसी तरह एक सहाबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा किसी से मोहब्बत करता है, उसे जिंदगी भर उसने अगर देखा भी नहीं, लेकिन उससे मोहब्बत करता है, देखा नहीं, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उससे मोहब्बत करता है, क्या इसके बावजूद भी वो कल कयामत में उसके साथ रहेगा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ मा मन अहबबता, जिससे जो मोहब्बत करता है कल कयामत में उसके साथ रहेगा। तो दोस्तों, कल जब हम लोग इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करते हैं, कल कयामत में जब हशर होगा, हम लोगों का अकीदा है, हम लोगों का ईमान है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों पर, कि जो है हमारा हश्र इंशाअल्लाह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आगे होगा, इंशाअल्लाह जरूर आगे होगा। अब देखिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत, जितना वक्त है उन वक्त में जो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत को बयान करके, और जो है आज का जो मौजू है शहादत इमाम हुसैन, उस पर भी जो है रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजीलत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाई है, जो फजीलत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तिर्मिज़ी शरीफ में मौजूद है। आका फरमाते हैं कि जो है जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है, जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है और उनके वालिदैन से मोहब्बत करता है, इमाम हसन, इमाम हुसैन और हजरत अली और फातिमा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा, इनसे जो मोहब्बत करता है, आका फरमाते हैं वो मेरी वजह से मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। ये शर्त इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का है कि जो है उनसे मोहब्बत करना, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, और सिर्फ मोहब्बत वक्त नहीं, इसी तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह भी उससे मोहब्बत करेगा। और हदीस तो क्या है, आका दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, ऐ अल्लाह मैं हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर, यहां तक नहीं खत्म किया, बल्कि आका ने फरमाया जो इनसे मोहब्बत करता है उनसे भी मोहब्बत कर। नारे अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला जिंदाबाद, जो इनसे मोहब्बत करता है ऐ अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत कर, यहां से हदीस खत्म नहीं होगी। और जो इनसे बग्ज रखता है, जो इनसे दुश्मनी रखता है, ऐ अल्लाह तू भी उनका दुश्मन हो जा, और जो इन लोगों से दुश्मनी रखता है उनसे भी तू दुश्मनी कर ले, उनको जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो दोस्तों, इमाम हुसैन की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, इमाम हुसैन से दुश्मनी अल्लाह से दुश्मनी, हदीस की रोशनी से हमको अगर बात अगर मालूम मात्र हो गई। अब उसके बाद देखिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फजीलत अता फरमाई। दोस्तों,
हम लोग अमल करेंगे तो जो है हिसाब किताब होगा। जन्नत के फूलों में से फूल है कौन? इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो फूलों को जन्नत के सूंघा करते थे, सूंघा करते थे। बच्चों को हम लोग क्या करते? चूमते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघा करते थे, बच्चे आए तो जो है अपने पास ला करीब करके जो है चूमते थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों ये सूंघना देखो सल्लवातुल्लाह अलैकुम या अली, सलाम अलैकुम या हसन, सलाम अलैकुम या हुसैन, सलाम अलैकुम फातिमा, सलाम अलैकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नादी अली नोड़ इंद दुआ नरे बरगरदे الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد معدن الجود والكرم انبوب العلم والحلم والحكم وعلى آل واصحاب واهل بيت ذرياته اجمعين نادي عليا مظهر الاجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم الى الله حاجتي عليه معبلي كلما رميت متخالف الله ويد الله لي ولي الله لي ادعوك كل حظا يا الله يا الله جل جلاله وبالنبوتك يا حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني كرم الله وجهه رضي الله تعالى بحق لطفك الخفي. الله أكبر الله أكبر، أنا من شر أعدائك برير برير الله صمدي، بحق إياك نعبد وإياك نستعين، يا أبا الغيث أغيثني، يا علي أدركني، يا قاهر العدو يا والي الولي يا مظهر الأجائب يا صلى مرسيم رحمة تودن تولي பெருவாழ்வும் கன செல்வமும் எல்லா வரக்கத்தும் சலாமத்தும் இங்கு இரண பொருந்தல் ஆபியத்தும் செல்லா நியமத்தும் ஈழேற்றமும் சேரும் நலவு கண்டு அருள்வா என்றும் கல்லார் எனை மண்ணில் பகை செய்யாமல் ஹக்கனே யானும் அடைக்கலமே ரப்பனா தகப்பல் மின்னா இன்னக அந்த சமீஉன் அதீம் وتب علينا يا ربنا يا ربي مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وعليه واصحابه اجمعين امين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تكتي هندم கொண்டாடியே வந்து தீன் கூறி நிற்ப கூடி சிங்காசனாதிபர் அடியேந்தியே வந்து ஜெய ஜெயா என்ப கூடி ஹக்கன் அருள் பெற்ற பெரியோர்கள் ஒலிமார்கள் அணி அணியாய் நிற்ப கூடி அஞ்ஞான வேறரு திட்ட விஞ்ஞானிகள் அனைவர்கள் நிற்ப கூடி நிற்ப கூடி வசனித்து நிற்கவே குருவி திருக்கும் மகிமை சொலவாயும் உண்டோ தக்க பெரியோர் அருள் தங்கியே நிற்கின்ற தவராஜ செம்மேருவே தயவை தெரியான சர்க்குணம் குடிகொண்ட ஷாஹுல் ஹமீர் அரசரே யகாதிர் முராத் ஹாசில் யகாதிர் முராத் ஹாசில் யகாதிர் முராத் ஹாசில் போஸ் மதனி அவர்களுக்கு நமது பிரஷர சையத் அபு மூசா ஹக்காதி அவர்கள் சார்பை இணைத்து கௌரவிப்பார்கள். நமது அசோசியேஷன் செக்ரட்டரி வெகு சிறப்பாக எங்களுக்காக நடத்தி கொடுத்தார். சுன்னத்
நிகழ்ச்சிகளிலும் நம் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பை